बिना प्याज टमाटर बिना अदरक लहसुन आज मैं आपके लिए ऐसी डिश लाई हूँ जिसे आप मिनटों में बना सकते हैं और घर में रखी हुई चीज़ों से ही आप इसे बना सकते हैं और खाने में इतनी टेस्टी कि मज़ा आ जाए। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी बर्तन में पानी लें और उसमें नमक ऐड कर दें। अब हमें चाहिए बैंगन और आलू। सब्जियों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो सबसे पहले बैंगन की डंठल निकाल लेंगे और उसे दो हिस्सों में काट लेंगे। अब हर हिस्से को हमें इस तरह से चीरे लगाकर काट लेना है। तो आप जितनी भी क्वांटिटी में बैंगन ले रहे हैं उसे इसी तरह से काट लेना है। और बैंगन को कट करने के बाद हमें नमक वाले पानी में डाल लेना है, वरना बैंगन काले पड़ जाएंगे। तो सभी बैंगन को काटकर इस तरह से नमक वाले पानी में डालकर रख दें। और मैंने यहाँ छोटी साइज का आलू लिया था, उसे भी दो हिस्सों में काट कर इस तरह से चीरे लगाकर इसे भी पानी में डाल लेना है। मैंने यहाँ आलू सिर्फ एक ही लिया है, आप चाहें तो आलू की क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। तेल को हाई फ्लेम पर अच्छे से गरम करें और आलू और बैंगन उसमें डाल दें। ध्यान रहे यहाँ मैंने बड़ी कढ़ाई ली है इसलिए पूरी सब्जी इसमें आ रही है। अगर आप छोटी कढ़ाई ले रहे हैं तो आपको दो बैचेस में फ्राई करना पड़ेगा। अब 1 मिनट तक हाई फ्लेम पर ही रखना है, फिर गैस की फ्लेम लो कर देनी है और इन्हें 5 मिनट के लिए ढक के रख देना है। 5 मिनट बाद ढक्कन हटाएं और पूरी सब्जी को दूसरी तरफ फ्लिप कर दें। तो बैंगन और आलू एक तरफ तो अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब हमें इन्हें दूसरी तरफ भी अच्छे से फ्राई करना है, तो इन्हें पलट दें। अब पलटने के बाद फिर से इन्हें 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढककर रख दें। 5 मिनट बाद ढक्कन हटाएं और पूरी सब्जी को हमें निकाल लेना है क्योंकि अच्छे से फ्राई हो गई है। बैंगन और आलू ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें फ्राई होने में या पकने में ज्यादा समय नहीं लगता। तो ये देखिए कितनी जल्दी अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब हमें इसमें मसाले ऐड करने हैं। तो मसालों में हम लेंगे नमक, लाल मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर। बस बहुत ही कम चीज़ों से ये सब्जी बन जाती है और इतनी टेस्टी बनती है। न प्याज की ज़रूरत, न टमाटर, न अदरक, न लहसुन। बस बेसिक मसालों को मिक्स करना है और इन मसालों को अच्छे से इस सब्जी में भर देना है। अब अगर घर में प्याज या टमाटर ना हो तो इस तरह से सब्जी बनाकर खाएं, 2 की जगह 4 रोटी खा जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। इतनी टेस्टी बनती है ये सब्जी और सिर्फ 15 मिनट में बन जाती है ये सब्जी। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो आलू और बैंगन में हमने मसाले अच्छे से भर दिए हैं। तो आलू और बैंगन को हमने इसलिए ही चीरे लगाए थे जैसे कि मसाले अंदर अंदर तक अच्छे से भर जाएं और सब्जी बहुत ही टेस्टी बने। तो उसी कढ़ाई में 1 चम्मच तेल ऐड कर दें और आलू और बैंगन को उसमें डाल दें। टिफिन के लिए कुछ झटपट बनाना हो या फिर सफर में कुछ ले जाना हो, ये सब्जी बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि बिना झंझट कम सामान में ये सब्जी बहुत ही जल्दी बन जाती है। 5 मिनट तक लो फ्लेम पर इसे ढककर रख दें और 5 मिनट बाद सब्जी को दूसरी तरफ पलट लें और फिर से इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढककर रख दें। वैसे तो सब्जी फ्राई करते वक्त ही अच्छे से पक गई थी, बस मसालों के साथ इन्हें अच्छे से पकाना है। तो ये लीजिए तैयार है बहुत ही कम सामान में बनी हुई और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही आसान आलू और बैंगन की सब्जी। इसे आप टिफिन में ले जाएं, कहीं सफर में जाना हो वहां ले जाएं, दाल चावल के साथ सर्व करें या फिर सिर्फ रोटी के साथ भी इसे सर्व करेंगे तब भी ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बहुत ही कम चीज़ों से बनने वाली इस टेस्टी रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।